इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू इक्विटी मार्केट इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 रेड और ग्रीन जोन में झूलते रहे और दिन के आखिर में गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर दिन भर ग्रीन जोन में बने रहे और शुरुआती उठापटक के बाद आखिरी घंटे के कारोबार में अपर सर्किट पर चले गए और इसी लेवल पर बंद भी हुए। ये तेजी एक ब्लॉक डील के चलते आई। ब्लॉक डील के चलते बने पॉजिटिव माहौल में सुजलॉन के शेयर आज बीएसई पर 5% की तेजी के साथ 53.04 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इसके शेयर अभी भी ऊपर चढ़ सकते हैं। आज सुजलॉन के शेयरों में तेजी की अहम वजह एक ब्लॉक डील रही। इस ब्लॉक डील के तहत 3.7 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो कंपनी की 0.3% इक्विटी होल्डिंग के बराबर है। एक्सचेंजों पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक ये सौदा करीब 179 करोड़ रुपए का पड़ा। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने हाल ही में सुजलॉन एनर्जी के कवरेज शुरू की है और इसे ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इसमें निवेश का टारगेट 58.5 रुपए पर फिक्स किया है। इसे ट्रैक करने वाले कम से कम 5 एनालिस्ट ने खरीदारी की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इसे 60 रुपए का टारगेट दिया है। सुजलॉन के शेयर इस साल करीब 39% उछल चुके हैं। अगर इसकी तेजी बरकरार रहती है तो ये लगातार 5वां साल होगा जब इसके शेयर पॉजिटिव जोन में बंद होंगे। ये वर्ष 2020 से ही सालाना पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। हालांकि डिविडेंड को लेकर बात करें तो नेट कैश बैलेंस शीट के बावजूद अभी इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। मार्च तिमाही के अर्निंग्स कॉल के दौरान सुजलॉन के मैनेजमेंट ने संकेत दिया था कि इसे लेकर विचार किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी ने कहा था कि कंपनी का एक बिजनेस प्लान है जो इस वित्त वर्ष 2025 में हासिल हो सकता है। इसके बाद डिविडेंड जैसे प्रस्ताव पर विचार हो सकता है।